8 अप्रैल का सूरज ग्रहण दुनिया के खात्मे की बड़ी अलामत। ये सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा करके रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेशगोई पूरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़े मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज ग्रहण की पेशगोई कर दी गई है। इस सिलसिले में यह बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया, और अगर इस तरह का सूरज ग्रहण दोबारा हुआ भी तो वो कम अज कम 450 साल बाद होगा। इस सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, जरा एक खबर और सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमरीका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त जलजले के लिए हॉटस्पॉट मकामात की अहमियत रखते हैं। हॉटस्पॉट मकामात से मुराद ये है कि ये मकामात जलजले के लिए इंतहाई मौजू तरीन है, और इन मकामात के नीचे से गुजरने वाली जलजलों की फॉल्ट लाइन यानी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उठ सकती हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह जलजला बड़ी शदीद नोयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी जमीन बोस करके रख देगा। अब अगर हम आज की इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमजानुल मुबारक में वाके होने वाला ये सूरज ग्रहण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनमा होगा, और इस हवाले से हम पहले भी एक वीडियो में आपको खबर दे चुके हैं कि ये सूरज ग्रहण बड़ा ही खौफनाक साबित हो सकता है और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर ये वाकई वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियोस में खबर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशगोई कोई हो ही नहीं सकती। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो जल्द ही आपके सामने पेश करने वाले हैं, तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमने आपको तारुफ में 2 खबरें दी हैं। इन दोनों खबरों के तज्जिए से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ अरसा पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि कयामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमजान बेहद खौफनाक होगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अनु से रिवायत करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले के आखिरी रमजान में एक बहुत मुकम्मल सूरज ग्रहण वाके होगा, और इस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफजदा हो जाएंगे। इस आवाज के माखिज का पता किसी भी तरह से नहीं लगाया जा सकेगा। यह आवाज इतनी खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे, और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। 70,000 कंवारी लड़कियों का कंवारापन जायल हो जाएगा, क्योंकि यह आवाज ही इतनी खौफनाक और भयानक होगी। इसके बाद इस रमजानुल मुबारक में जलजलों का एक शदीद सिलसिला शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। इन्हीं जलजलों के दौरान या इसके बाद दज्जाल का जहूर होगा, और इसके कुछ अरसे बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जहूर होगा। नाज़रीन, इस बारे में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही इस बारे में एक वीडियो बना चुके हैं जो आप हमारे चैनल की टाइम लाइन पर देख सकते हैं। अब अगर हम पहली खबर का जायजा लें जिसमें साइंसी हलकों की जानिब से यह कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बड़ा ही मुकम्मल सूरज ग्रहण वाके होने वाला है, और ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा हो रहा है। अब अगर हम इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमजानुल मुबारक में वाके होने वाला ये सूरज ग्रहण बेहद अहमियत का हामिल बन जाता है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है, तो फिर इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया भर में ना सिर्फ कुदरती आफात का एक पे दर पे सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बिसात भी उलटने वाली। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानिब खड़े होंगे और हक को बातिल में से किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के जहूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि कमजोर ईमान के मुसलमान इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कोई रूप समझेंगे और उसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खरूज को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इस बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएगी और कमजोर ईमान वालों का ईमान दौ पर लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानिब देखें
तो वो भी अपनी नौइयत में बड़ी खौफनाक खबर है। सूरज गिरन के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद यह खबर अमरीका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाया की थी। इस खबर के मुताबिक अमरीका के 5 से 8 मकामात इस वक्त जलजलों के लिए निहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर जलजला आया तो इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी। वाज रहे कि ये सिर्फ अमरीका में आने वाले जलजलों की तफसील है, जबकि इस सूरज गिरन के नतीजे में दुनिया भर में जलजले आ सकते हैं। इस सिलसिले में हमने फिलिपाइन में जाहिर होने वाली कुछ अजीबो गरीब अलामात पर मुश्तमिल एक वीडियो पहले बनाकर आपके सामने पेश की थी। अमरीकी माहरीन अर्जियात इस हवाले से शदीद तशवीश के शिकार हैं और इनका ख्याल है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद अमरीका के वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन जलजलों से शदीद मुतासर हो सकते हैं। यहां तक हमने खबरों की तफसील जान ली है। अब अगले हिस्से में आपको इन खबरों का आपस में राबता और वजूहात के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इन खबरों के सच्चा होने की सूरत में क्या अंजाम मुतवक्के हो सकता है। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ये पेशगोई किसी भी तौर गलत साबित नहीं हो सकती। हो सकता है कि इसी रमजान के बारे में इस हदीस में बात की गई हो या फिर वो कोई और रमजान हो। अलबत्ता जिस रमजान में भी सूरज गिरन और जलजलों के वाकयात इकट्ठे होंगे वही रमजान इस हवाले से बेहद अहमियत का हामिल होगा। सूरज गिरन के मामले में ये जानना बेहद जरूरी है कि जब सूरज गिरन होता है तो दरअसल चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। जमीन और सूरज के दरमियान में आने की वजह से जमीन उस लकीर के एक सिरे पे जबकि चांद सूरज एक ही सीध में दूसरे सिरे पर होते हैं। चांद के सूरज के सामने आ जाने से सूरज नजर नहीं आता और इसी मजर को सूरज गिरन का नाम दिया जाता है। चांद और सूरज की इकट्ठी कश्य शक्ल जमीन की तहों में मौजूद लावे को ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराना शुरू कर देती हैं। ये सूरज गिरन कई मिनट तक जारी रह सकता है और यही वजह है कि अमरीकी माहरीन इस हवाले से बेहद तशवीश के शिकार है। ये सूरज गिरन ना सिर्फ कुदरती मजर बल्कि इस बार मुख्तलिफ कुदरती आफात का पैगाम भी साबित हो सकता है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई इसी रमजानुल मुबारक के बारे में थी तो फिर इस रमजान का इख्तिताम दुनिया भर में कुदरती आफात का पैगाम लाने वाला है और इस सूरज गिरन के नतीजे में दुनिया भर में जलजलों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके बाद दजाल का जहूर मजीद करीब हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन कुदरती आफात से महफूज रखे और हमारे ईमान को भी सलामत रखे। इसके साथ साथ हमें हक व बातिल की जंग में हक के साथ और बातिल के खिलाफ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा।